हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग ये फ्रेंड्स पेयरिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर चलिए पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम करना क्या है। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि हमको एन फ्रेंड्स दिए हुए हैं और हर जो बंदा है, मतलब अगर यहाँ पर चार बंदे हैं तो हर बंदे के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो चाहे तो वो अकेले रह सकता है या तो वो दो लोग किसी और एक के साथ मिलकर रह सकता है। हर के पास ये रहना है, तो हमको बताना है कि इन सब लोगों के रहने के कितने तरीके हैं। ठीक है, तो अगर समझते हैं यहाँ हमारे पास चार बंदे होते हैं तो इनके रहने के क्या क्या तरीके हो सकते थे। या तो वन बोलता मैं अलग रहूंगा, टू थ्री और फोर सब बोलते मैं अलग रहूंगा, तो ये एक तरीका हो गया। ठीक है, एक और तरीका क्या हुआ कि वन टू जो है वो बोले साथ में रहूंगा, थ्री और फोर बोले कि अलग रहूंगा, तो फिर ये कौन सा तरीका, ये भी एक तरीका हो गया। एक और बोले कि वन थ्री बोलते मैं साथ में रहूंगा, टू और फोर बोलते मैं अलग अलग रहूंगा, ये एक तरीका हो गया। तो ऐसे बहुत सारे तरीके आएंगे। ठीक है, तो हमको बताना है कि इनके रहने के टोटल कितने तरीके हैं, हमको वो बताना है, वो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा अब तक। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ लोगों के लिए केस ले लेते हैं, बना लेते हैं कुछ लोगों के लिए, समझ लेते हैं कि हमारे पास कुछ दोस्त है। एन इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ऐसे हमारे पास कुछ दोस्त है। ठीक है, यहाँ पर मैं बना एन, एन मतलब कितने बंदे हैं, एन इक्वल टू वन बंदे, टू बंदे, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ऐसे बंदे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के कुछ तो जो केसेस हैं उसे हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। हम पहले के कुछ केसेस को ब्रूट फोर्स, मतलब ऐसे नॉर्मल थिंकिंग से कैसे सॉल्व होगा वो करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे केसेस बड़े होंगे तो हम अपने एल्गोरिदम, अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे कि बड़े केसेस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले के जो स्टार्टिंग केसेस हैं वो तो ऐसे ही हो जाएंगे। अगर हमारे पास सिर्फ एक बंदा होता तो उसके रहने के कितने तरीके हैं बताइए। उसके पास तो दो लोगों के साथ रहने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कोई और है ही नहीं। तो उसके बाद तो सिर्फ एक ही ऑप्शन रहने का, वो क्या कि वो उसको अकेले रहना पड़ेगा। अगर हमारे पास एक बंदा है, ये है हमारा बंदा, तो उसका रहने का क्या तरीका है, यही एक है कि उसको अकेले रहना पड़ेगा, और तो कोई है नहीं, तो यही एक ऑप्शन है। तो अगर हमारे पास एक बंदा है तो उसके रहने का क्या तरीका है कि उसको अकेले रहना पड़ेगा, और ये वे जो है मैं वे भी लिख देता हूँ नीचे। ठीक है, तो एक बंदे का केस तो सिंपल है। अब हमारे पास दो बंदे होते, समझ लीजिए कि पहले तो अभी तक हमने क्या सॉल्व कर लिया कि हमारे पास एक बंदा होता तो कितने तरीके हैं। ठीक है, अब एक नया बंदा आ गया, टू आ गया। ठीक है, तो अब हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया कि हमारे पास दो बंदे हैं, इनके रहने के कितने तरीके हैं। तो इनके रहने के क्या क्या तरीके हैं, या तो ये दोनों अलग अलग रहेंगे या तो ये दोनों एक साथ रह सकते हैं। टोटल वे कितने हो गए, दो तरीके हो गए। और कोई तरीका है क्या इनके रहने का, या तो वो दोनों अलग रह सकते हैं या तो साथ में रह सकते हैं। तो अगर हमारे पास दो बंदे हैं तो उनके रहने का कितने तरीके हैं, या तो वो दोनों अलग अलग रहेंगे या तो वो दोनों साथ में रहेंगे, ये दो तरीके हैं। तो दो बंदों के लिए भी केस सिंपल है, अलग अलग या फिर साथ में, ये दो तरीके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। अब मुझे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान चाहिए होगा आप लोगों का, क्योंकि अभी जो है हम लोग अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने वाले हैं कि हम लोग कैसे, अब छोटे प्रॉब्लम ये तो आसान से केस थे, इसे तो हम आसानी से सुन सकते हैं, लेकिन अब हमारा एल्गोरिदम क्या है, किसकी मदद से हम लोग इससे बड़े प्रॉब्लम के लिए आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, उसकी तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या था कि अगर हमारे पास दो बंदे होते हैं ना, ऐसे दो बंदे होते हैं तो हमको पता है कितने तरीके हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और बंदा आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया कि तीन बंदों के रहने के कितने तरीके हैं, ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। पहले हमको दो का पता था, अब एक नया बंदा आ गया, तो अब हमारा प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि तीन बंदों के रहने के कितने तरीके हैं। ठीक है, ये अब हमारा प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो पहले हमारे पास दो बंदे थे, अब एक नया बंदा आ गया, थ्री। ठीक है, तो इसका तरीका तो हमको पता है कितना है, हमने पहले यहाँ पर स्टोर करके रखा है। अब ये सोचिए, हर बंदे के पास मतलब क्या ऑप्शन है, या तो हर बंदा जो भी आया, ये तीसरा बंदा आया, यहाँ तक तो इन लोगों को रहना पहले से ही आता है। हमने यहाँ पे वन और टू के लिए पहले ही, अगर हमारे पास दो बंदे होते तो हमने पहले यहाँ पर लिख रखा है ना कि तुमको रहने के कितने तरीके हैं, तो इनको आपस में रहना तो आता है। अब एक नया बंदा आया, तीसरा, तो इसके पास क्या ऑप्शन है, ये या तो अकेले रह सकता है, ये बोलेगा कि मैं अकेले रह लूंगा, या तो ये क्या बोल सकता है, या तो ये किसी और के साथ मिलकर रह सकता है। इसके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर ये अकेले रहेगा ना, ये अकेले रहेगा, तो इसको कोई मतलब नहीं है कि इसके अलावा जो दो बंदे हैं वो कैसे रहेंगे, ये लोग जितने भी तरीके से रहेंगे ये उसके साथ बस अकेले जुड़ जाएगा। तो अगर ये n इक्वल टू, समझ लेते हैं ये n लोगों का प्रॉब्लम है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये अकेले रहेगा ना तो n माइनस वन लोगों का जितना आंसर रहेगा ना वही इसका आंसर रहेगा। और दूसरा तरीका क्या है कि ये किसी और के साथ जुड़ सकता है, ये मैंने क्या बोला, इसे एक बार पहले थोड़ा पहले उसे समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या बोला मैंने,
थोड़ा सा मुझे बना के दिखाना पड़ेगा डायग्राम। समझ लेते हैं कि 1 2 3 ठीक है। 3 मैंने क्या बोला कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम एन इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जब अकेले रहेगा ना, तो जो ये जब अकेले रहेगा तो जो आंसर रहेगा ना वो एन इक्वल टू 2 के बराबर रहेगा। अब ये देखते हैं ये सच कैसे है। ठीक है, ये 3 वाला बंदा तो अकेले रहेगा, ठीक है। तो 1 2 चाहे सिंगल रहे या डबल रहे उससे कोई मतलब नहीं। तो दो लोगों के रहने के कितने तरीके हैं, या तो वो दोनों अलग अलग रहेंगे तो 1 और 2, या तो वो दोनों साथ में रहेंगे तो 1 2 और 3। ठीक है, तो आंसर कितने आया यहाँ से, 2 तो ही आया। पर मैंने वही बोला भी था कि जब एक नया बंदा nth बंदा एक न्यू एंट्री मारता है तो वो जब अकेले रहेगा ना तो टोटल नंबर ऑफ वेज n-1 लोगों के रहने का जितना था उतना ही रहेगा, और वो यहाँ से हम लोग देख भी रहे हैं। तो ये एक पॉइंट है जिसको हमको लिख लेना चाहिए, इसका हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इधर साइड में मैं लिख देता हूँ मैं अभी के लिए, कि n-1 की प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व करके रखा। अगर एक नया बंदा आ जाता है तो जब n लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो या तो वो बंदा अकेले रह सकता है या तो वो डबल रह सकता है। ठीक है, तो जब अकेले रहेगा तो n-1 का जो आंसर था वही हमारा, n-1 लोगों का जो आंसर था वही ऐड करेंगे हम लोग, और अगर वो डबल रहेगा तब क्या होगा वो भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब दूसरा वाला पार्ट जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसे मिटा देता हूँ। n-1 था, इसे रहने देते हैं। ठीक है, तो ये देखा हमने कि जब ये अकेले रहेगा तो n-1 का जो आंसर था वो ये यूज करने वाला है। ठीक है, अब ये डबल रहेगा तो जैसे कि 1 2 3 है ना, तीसरा बंदा नहीं आया है, अब ये डबल रहेगा तो ये डबल किसके साथ रह सकता है, ये बोलेगा। या तो ये 1 के साथ मिलकर डबल रह सकता है या तो ये 2 के साथ डबल मिलकर रह सकता है। तो 3 अगर 1 के साथ रहेगा तो 3 1, 3 अगर 2 के साथ मिलकर रहेगा तो 3 2, फिर 1 को ये अब बचा कितना, एक बंदा बचा। एक बंदा के रहने का कितना तरीका है, ये देखिए यहाँ पर एक बंदे के रहने का तरीका कितना, एक है, उसको अकेले ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 को अकेले ही रहना पड़ेगा, यहाँ पर 2 को अकेले ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको कितना आंसर मिला, 2 मिला यहाँ से आंसर। ये वाला केस अभी क्लियर नहीं हुआ होगा कि दो बंदे रहते हैं तो कैसे रहेंगे, ये और थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो दो बंदों वाला केस भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए हमने क्या देखा कि जब एन इक्वल टू 3 थे तो हमारे टोटल वेज कितने आए, टोटल इधर से 2 और उधर से 2, यानी 2 + 2 इक्वल टू टोटल 4 वेज आए हमारे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना लिख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एन इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व करते हैं इसको। जब हमारे पास 1 2 3 लोगों को पहले से रहना आता है, अब एक नया बंदा आ गया 4, ठीक है। तो 4th वाले के पास क्या ऑप्शन है, या तो अकेले रहेगा या तो डबल रहेगा। जब अकेले रहेगा तो क्या बोला था मैंने कि n-1 का जो तरीका होता है वही हमारा आंसर होता है। तो 4 लोगों के रहने का, n-1 लोगों के रहने का टोटल तरीका कितना था, यहाँ पर 4 था। तो ये जब अकेले आएगा ना तो 4 ऑप्शंस ऐड करना पड़ेगा हमको, क्यों, n-1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। फिर 3 लोगों के रहने का कितना तरीका है, 4 है, तो वही 4 ऐड करेगा ये हमारा क्लेम। अब इसको देख लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं, ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं। तो अगर 4 अकेला आएगा तो 1 2 3 चाहे जैसे रहे कोई मतलब है नहीं हमें, तो 1 2 3 कैसे रह सकते हैं। 1 2 3 के रहने का तरीका क्या था कि 1 अलग 2 अलग 3 अलग रह सकते हैं, या तो 1 और 2 साथ में रह सकते हैं, 3 अलग रह सकते हैं, या तो 1 3 साथ में रह सकते हैं, 2 अलग रह सकते हैं, या तो 1 अलग रहेगा 2 3 साथ में रहेगा। यही 4 तरीके हैं, और 4 इनके साथ क्या रहेगा, अकेला रह जाएगा। तो जो हमने यहाँ पे बोला था कि 4 आएगा आंसर जो यहाँ से, वो बिल्कुल सही है। तो ये वाला पॉइंट हमारा फिर से प्रूव होता है कि जब एक नया बंदा ऐड होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, या तो वो बंदा अकेले रह सकता है या तो वो बंदा डबल रह सकता है, यही 2 ऑप्शन। वो बंदा जब अकेले रहेगा तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज रहेंगे वो कितने रहेंगे, n-1 बंदों के टोटल रहने के वेज के बराबर ही है, वो हमने देख लिया। तो ये पॉइंट हमारा सही है, तो अगली बार से हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब डबल वाला केस देख लेते हैं। अब ये जो 4th बंदा है, 1 2 3, अब ये किसके साथ रह सकता है, पेयर अप किसके साथ कर सकता है, या तो वो 1 के साथ पेयर अप कर सकता है, या तो 2 के साथ पेयर अप कर सकता है, या तो 3 के साथ पेयर अप कर सकता है। तो ये देखो, जब जो ये जो नया बंदा है ये कौन सा है, 4th बंदा है, तो ये 3 लोगों के साथ पेयर अप कर पा रहा है। ठीक है, जब हमने 3 को ऐड किया था 1 2 3 में, तो 3 किसके साथ पेयर अप कर पा रहा था, 3 या तो 1 के साथ पेयर अप कर पा रहा था या तो 2 के साथ पेयर अप कर पा रहा था। ठीक है, तो अगर हम लोग का
एंथ बंदा ऐड हो रहा है तो ये कितने एन माइनस वन लोगों के साथ पेयर अप कर सकता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है या नहीं ये तो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर हम लोग फिर से आएंगे आगे, तब तब मुझे आशा है कि तब तो समझ में आ ही जाएगा। ये वाला पॉइंट मैं फिर से बताता हूँ, जो ये फोर्थ बंदा है, फोर्थ बंदा है 1 2 3, या तो ये 1 के साथ पेयर अप कर सकता है, या तो ये 2 के साथ पेयर अप कर सकता है, या तो ये 3 के साथ पेयर अप कर सकता है। तो ये फोर्थ बंदा है तो ये 3 लोगों के साथ पेयर अप कर सकता है। जब थर्ड वाला बंदा है दूसरा, तो ये किसके साथ पेयर अप कर पा रहा था, या तो ये 1 के साथ या तो ये 2 के साथ। तो ये थर्ड बंदा था तो ये 2 लोगों के साथ कर पा रहा था, ये फोर्थ बंदा है तो 3 लोगों के साथ पेयर अप कर सकता है। तो अगर ये फिफ्थ बंदा होगा तो ये कितने लोगों के साथ पेयर अप कर पाएगा, 4 लोगों के साथ, कैसे देख लेते हैं उसे भी। अगर ये फिफ्थ बंदा होता 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अगर हम लोग 5 लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते, तो ये तो फिफ्थ बंदा है तो 1 के साथ पेयर अप करता, या तो 2 के साथ पेयर अप करता, या तो 3 के साथ पेयर अप करता, या तो 4 के साथ पेयर अप करता। तो दिख रहा है कि 4 लोगों के साथ पेयर अप कर सकता है। तो हमको क्या समझ में आया कि जो जो नया बंदा है उसके पास जब वो पेयर अप करेगा तो उसके पास कितने लोगों का ऑप्शन है, वो अपने से पीछे जितने भी लोगों में हैं उनमें से किसी के साथ भी पेयर अप कर सकता है। इसके अगर ये फोर्थ बंदा है तो इससे पहले कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो ये तीनों में से किसी के साथ भी पेयर अप कर सकता है। अगर ये थर्ड बंदा है तो इससे पहले कितने लोग हैं, 2, तो किसी के साथ भी पेयर अप कर सकता है। तो पेयर अप करने के लिए इसके पास ऑप्शन कितने हैं, अगर ये आई बंदा है तो इसके पास कितने आई माइनस वन, इससे पहले आई माइनस वन लोग हैं, अगर ये थर्ड है आई इक्वल टू 3 है तो इससे पहले कितने, 2 लोग हैं, तो किसी के साथ भी पेयर अप कर पा रहा है। यहाँ पे फोर्थ बंदा है तो इससे पहले 3 लोग हैं, तो ये 3 में से किसी के साथ भी पेयर अप कर सकता है। इसके बाद पेयर अप करने के तो कितने हैं, 3, मतलब आई माइनस वन तरीके हैं, ठीक है। अब इतना तो क्लियर हो गया कि उसके बाद पेयर अप करने के आई माइनस वन तरीके हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि तरीके, मतलब अगर 4 बंदा है वो 1 के साथ पेयर अप हो गया, फोर्थ वाला बंदा 1 के साथ पेयर अप हो गया, तो अब बाकी कितने बचे, 1 2 3 4, 4 और 1 पेयर अप हो गए, तो बाकी कितने लोग बचे, 2 लोग। और 2 लोगों का प्रॉब्लम हमने पहले ही सॉल्व करके रखा है, 2 लोगों के रहने कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो इन 2 लोगों के ही तरीके रहेंगे, कैसे, 4 और 1 साथ में रहेंगे, और ये 2 बंदे चाहे जैसे रहे, ये दोनों बंदे कैसे रह सकते हैं, 2 और 3 या तो अलग अलग रह सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है एक ऑप्शन क्या अलग अलग, या तो एक ऑप्शन क्या दोनों साथ में रहेंगे, तो 4 और 1 साथ में रहेंगे, 2 और 3 साथ में रहेंगे, ये एक तरीका आ गया, ठीक है। सिमिलरली इधर भी वही आंसर आएंगे, 4 और 2 अगर पेयर अप हो गए तो 4 में से 2 बंदे चले गए, 4 और 2 बचे कितने, 2 बंदे, 1 और 3 बचे। तो 2 बंदों के रहने के कितने तरीके हैं, हमने पहले से यहाँ पर सॉल्व करके रखा है कि 2 बंदों के रहने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। तो यहाँ पर भी 2 ही आंसर में ऐड करेंगे, और देख लेते हैं क्या 2 ही आंसर में ऐड कर रहा है क्या, 4 और 2 पेयर अप हो गए तो 1 और 3 के रहने के कितने तरीके हैं, या तो 1 और 3 अलग अलग रहेंगे, या तो 1 और 3 साथ में रहेंगे। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर जो 2 था वो काम में आ रहा है। सेम 4 और 3 के केस में 4 और 3 पेयर अप हो गए तो 1 और 2 के, 1 और 2 है टोटल कितने, 2 बंदे हैं, तो 2 बंदों के रहने कितना तरीका है, 2 तरीका है, या तो दोनों अलग अलग रहेंगे, 1 और 2 दोनों अलग अलग रहेंगे, या तो वो दोनों साथ में रहेंगे। तो इधर भी 2 आंसर आ रहा है, तो ये पिछले वाला केस से ही डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो अब तक जो हमने किया उससे मैं फॉर्मूला थोड़ा सा बना देता हूँ कि जो हम लोग क्या फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर जो फॉर्मूला अभी तक जो हमने किया उसके हिसाब से कुछ ऐसा आया है कि अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एक नया बंदा यहाँ पर ऐड हो गया, nth बंदा ऐड हो गया, तो आंसर क्या होगा, या तो ये nth बंदा, या तो ये सिंगल रहेगा, या तो ये किसी के साथ पेयर अप करेगा, ठीक है। तो पहले सिंगल वाला केस देख लेते हैं, सिंगल करेगा तो मैंने क्या बोला कि हमने पहले निकाल के देखा तो कितने तरीके आएंगे, एन माइनस वन लोगों के रहने के जितने तरीके थे ना वही इधर ऐड होने वाले हैं, ठीक है। अब जब ये पेयर अप करेगा तो मैंने क्या बोला था कि ये एन बंदा है, ये एंथ पर्सन है, तो इससे पहले कितने हैं, एन माइनस वन पर्सन है, तो ये किसी के साथ भी पेयर अप कर सकता है, तो एन माइनस वन उधर से आएगा, ठीक है। एन माइनस वन प्लस अगर टोटल एन है, एन में से टोटल ये एन है, इसमें से कोई भी 2 लोग पेयर अप हो गए तो बाकी लोग कितने बचे, एन माइनस टू लोग बचे, और एन माइनस टू लोगों के रहने के कितने तरीके हैं वो हमने पहले से यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। अगर हम लोग ये इसके लिए केस कर रहे हैं तो एन माइनस टू 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 वाला हमने पहले से सॉल्व करके रखा है, तो एन माइनस टू लोगों को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं वो हम पहले से ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बन के क्या आया, हम लोग का फॉर्मूला क्या बनकर आया कि हम लोग एन इक्वल टू 1 लोगों के लिए तो हम लोग डायरेक्ट ही जानते हैं कि क्या होगा, एन इक्वल टू 1 का तो सिंपल केस है, एन इक्वल टू 1 के लिए तो 1 ही तरीका है, उसको 1 ही रहना पड़ेगा, ये हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ये डायरेक्ट लिख लेंगे हम लोग। एन इक्वल टू 2 के लिए भी बहुत ही सिंपल केस है, या तो वो दोनों अलग अलग रहेंगे, या तो वो दोनों साथ में रहेंगे, ये भी बहुत सिंपल है, ये लोग हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब इससे इसके बाद जितने भी बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी उसको हम लोग इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या आया हमारे पास कि
अगर एन इक्वल टू वन और टू तो बहुत ही सिंपल केस है, वो हमने डायरेक्ट ही सॉल्व कर लिया और वो रहा इसका आंसर। यहाँ पर हमने लिख भी लिया उस वन इक्वल टू वन और एन इक्वल टू के लिए। अब कोई भी एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री के लिए कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो क्या ऑप्शन है, या तो जो ये नया बंदा आया, यहाँ पर तीसरा बंदा नया आया, इसके बाद क्या ऑप्शन है, या तो ये अकेले रहेगा या तो ये डबल रहेगा। ठीक है, ये अकेले रहेगा तो ये कितने बच्चे रह गए, ये तो अकेले ही रहने वाला है हर वाले केस में, तो ये कितने रह गए, एन इक्वल टू टू, तो फंक्शन ऑफ एन माइनस वन, एन इक्वल टू थ्री है तो एन माइनस वन लोग जितने भी तरीके से आएंगे वही यहाँ पर अपना आंसर रहेगा, क्योंकि ये तो हर वाले केस में सिर्फ अकेले जुड़ जाएगा। तो अगर एन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री के लिए अगर हमारा बंदा सिंगल रहेगा तो एक ऑप्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन ऑफ एन माइनस वन। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ये बंदा जो नया आया है वो किसी के साथ भी पेयर अप कर सकता है। ठीक है, तो टोटल एन बंदे हैं यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एन बंदे हैं, तो ये किसके साथ पेयर अप कर सकता है, इसके साथ, पीछे कितने हैं, टोटल एन माइनस वन है, तो किसी भी एन माइनस वन लोगों के साथ पेयर अप कर सकता है। ठीक है, और जब एन में से दो लोग पेयर अप कर लेंगे तो बाकी दो लोग कितने बचे, एन माइनस टू, और एन माइनस टू लोगों के रहने का तरीका कितना है हमको पहले से ही पता होगा, तो इनटू फंक्शन ऑफ एन माइनस टू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री के लिए हमारा आंसर क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ एन माइनस वन के लिए जो सॉल्व करके रखा है वो प्लस ऑफ एन माइनस वन इंटू फंक्शन ऑफ एन माइनस टू, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा जिसके बेसिस पे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब इस फॉर्मूला का यूज करके इस डीबी टेबल को भरते हैं हम लोग और देखते हैं कि कैसे फिल हो रहा है डीबी टेबल और कितने नंबर ऑफ पेज आते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग और इस डीबी टेबल को अभी भरेंगे। ठीक है, तो ये थर्ड वाला हमने भर लिया था, थर्ड वाले को फॉर्मूला से भी भर के देखते हैं। वन और टू तो बेस के थे वो तो हमको पता है, अब थर्ड वाले को अगर हम लोग फॉर्मूला से भरते हैं तो थर्ड वाले का ऐसे हमने देखा कि चार आ रहा है, खुद निकाल कर देखा, फॉर्मूला से निकाल कर देखते हैं क्या बोलता है, फंक्शन ऑफ टू ऐड करो प्लस फंक्शन ऑफ फंक्शन ए प्लस एन माइनस वन यानी थ्री माइनस वन इंटू फंक्शन ऑफ थ्री माइनस टू दैट इज फंक्शन ऑफ टू प्लस दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टू प्लस टू इंटू फंक्शन ऑफ वन। तो फंक्शन ऑफ टू की वैल्यू कितनी है, टू प्लस टू इंटू फंक्शन ऑफ वन की वैल्यू कितनी है, वन, टू इंटू वन तो फोर, तो फोर आ रहा है फंक्शन ऑफ थ्री की वैल्यू और हमारा वैल्यू भी फोर आया था, तो ये बिल्कुल सही है। तो फिर तीन लोगों का करने का चार तरीका है। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ फोर को फिल करते हैं इसी तरीके से, फंक्शन ऑफ फोर कैसे आएगा, हमारे पास वन बंदे, टू बंदे, थ्री बंदे, एक नया बंदा आया फोर, इसके रहने का क्या क्या तरीका है, या तो ये सिंगल रहेगा या तो ये डबल रहेगा, किसी के साथ डबल रहेगा। सिंगल रहने पे क्या पता चल रहा है, फंक्शन ऑफ एन माइनस वन मतलब तीन लोग कैसे रह सकते हैं, उसका उसके जो तरीके रहेंगे वही इसके तरीके हैं। तो तीन लोगों के रहने का तरीका हमारे पास ऑलरेडी है फोर, तो यहाँ से आ गया फोर प्लस दो लोगों के रहने के तरीके, दो लोगों के रहने के तरीका, लेकिन ये किसी के साथ भी पेयर अप कर सकता है एन माइनस वन, यानी अपने इससे पहले कितने लोग हैं, तीन, ये इन तीनों में से किसी के साथ भी जुड़ सकता है, तो तीन किसी के साथ भी जुड़ जाएगा, जब वन टू थ्री फोर में से किसी के साथ भी, वन टू थ्री फोर में से जब किसी के साथ भी जुड़ जाएगा तो बचेगा कितना, दो लोग बचेंगे, दो लोगों के साथ में रहने के कितने तरीके हैं, मैंने लिखा है दो, तो थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स प्लस फोर इक्वल टू कितना, टेन आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा इस केस में, टेन आएगा। ठीक है, अब पांच लोगों के लिए सॉल्व करके देखते हैं इस प्रॉब्लम को। जब पांच बंदे हो गए अपने पास, वन टू थ्री फोर, नया बंदा आ गया फाइव, तो फिफ्थ बंदे के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो सिंगल रहेगा, सिंगल रहेगा तो ये तो हमेशा सिंगल ही रहने वाला है पांच में से, ये तो हमेशा सिंगल ही रहेगा। अब बचा क्या, इन चार लोगों के रहने का कितना तरीका है, चार लोगों के रहने का तरीका हमको पहले से ही पता है, ये 10 तरीके से चार लोग, ये हर केस में सिर्फ सिंगल रहेगा, तो जब ये सिंगल रहेगा तो टोटल आंसर कितना आने वाला है, 10। ठीक है, 10 आने वाला है आंसर, और जब ये डबल रहेगा तो ये किसके साथ रह सकता है, ये फिफ्थ वाला बंदा इन चारों में से किसी के साथ भी डबल रह सकता है। ठीक है, तो चार में से, चारों में से किसी के साथ भी डबल रह सकता है, और पांच में से जब दो लोग पेयर हो जाएंगे तो बाकी कितने लोग बचे, तीन लोग, तीन लोगों के रहने कितना तरीका है, चार, तो फोर इंटू फोर 16, तो इधर एड अप करेंगे तो कितना आएगा टोटल, 10 प्लस 16 26 वेज आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग ये डीबी टेबल फिल करते रहेंगे और फिर फाइनली यहाँ पर स्टोर क्या है, यहाँ पर क्या स्टोर है कि चार लोगों के रहने का कितना तरीका है, यहाँ पर ये स्टोर है। ठीक है, यहाँ पर क्या स्टोर है, पांच लोगों के रहने का कितना तरीका है, तो यहाँ पर क्या स्टोर है, नाइन लोगों के रहने का कितना तरीका है, तो ऐसे ही यहाँ पर जाते जाते ये जब एन रहेगा तो यहाँ पर क्या स्टोर रहेगा, एन लोगों के रहने का कितना तरीका है, हमको प्रिंट क्या करना है फाइनली, एन लोगों के रहने का कितना तरीका है, जब हम लोग ये पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो हम फाइनली प्रिंट कर देंगे जो हमारा फाइनल आंसर कैलकुलेट करके आया कि एन लोगों के रहने का कितना तरीका है। ठीक है, तो ये मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को,
अब जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार कोड करके देखते हैं कि ये सही में चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो फिर इसे यहाँ पे कोड करते हैं, तो फिर हमको जो भी एन देके रखा है वो तो देकर ही रखा है उसने। तो फिर एन इक्वल टू इनिशियली अपना आंसर कितना रखा, दो लोगों के लिए तक के लिए तो हमने पहले से ही सॉल्व करके रखा था कि हाँ, तो वो हम ऐसे ही लिख देते हैं कि अगर हमारा इफ एन जो है लेस देन इक्वल टू टू रहेगा, ये हम लोग देख रहे हैं कि जब एन की वैल्यू वन है तो कितने आंसर है, वन है, जब एन की वैल्यू टू है तो आंसर क्या है अपने पास, दो ही है। तो हम लोग इसे एक छोटा सा बेस केस की तरह भी लिख सकते हैं कि अगर एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू टू है तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे, एन के बराबर ही है तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से जो केस बनाना है वो हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग एक डीपी बना लेते हैं, डीपी एरे नाम का, ठीक है। और इसके अंदर पहले कुछ वैल्यूज भर देते हैं, साइज बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब dp ऑफ वन के लिए तो वन रहेगा, dp ऑफ दो लोगों का दो तरीका है, और तीन से हम लोग निकाल लेते हैं, फॉर आई इन रेंज थ्री से प्लस वन dp ऑफ आई। हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी एक नया बंदा 1 2 3 4 में कोई भी जब एक नया बंदा आता है तो उसके पास क्या तरीका है, या तो वो सिंगल रहेगा, सिंगल रहेगा तो कितना एन माइनस वन लोगों का जो आंसर था वही है अपना आंसर, या तो वो क्या रह सकता है, या तो वो डबल रहेगा, डबल रहेगा तो कितना एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू लोगों का जो आंसर है वो रहने वाला है हमारा आंसर। तो इसे ही लिख देते हैं कि डी पी ऑफ आई क्या होगा, या तो वो बंदा सिंगल रह सकता है तो एन माइनस वन लोगों का जो आंसर है वो, नहीं तो वो बंदा डबल रह सकता है, डबल रहेगा तो किसी के साथ भी एन माइनस टू लोगों का जो आंसर रहेगा वो रहेगा उसका आंसर। और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो हम लोग को लास्ट में क्या रिटर्न करना है, डी पी ऑफ एन, ठीक है। तो देखते हैं हमने सब कुछ सही लिखा है कि नहीं, हमने लगभग सब कुछ सही लिखा है, एक बार से रन करके देखते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं, कि सही आंसर दे रहा है या नहीं। तो ये सही आंसर दे रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं, सारे टेस्ट केसेस पास करने चाहिए इसे। तो ये सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो सही है। मैं आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा।